गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। काफ़ी तरस गया था मैं शब्द बोलने के लिए, और पिछले दो व्लॉग्स में आपने देखा होगा मैं ये शब्द तो बोलना ही भूल गया था कि वेलकम बैक टू माय व्लॉग गाइज। आदत डालनी पड़ेगी। दाढ़ी बड़ी बड़ी हो रही है, सेट भी ना है, पिंपल पिंपल हो रहे हैं, बाल बुल भी सेट ना है, वैक्स वुक्स तो दे दो, हैगी तुम पे तो हम लगाते देखे तुमने आज तक। हमारे पोपी भाई भी हैं, हमारा फ्रूट व्रूट भी चल रहा है, रूम की सफाई चल रही है। तू क्यों ना करा रूम की सफाई, मेरा तो बता मेरा। अरे मेरा ना जी कर रहा था कि यार ये सामान सुमून भी कर रखा है तो मैं उठा के इन्हें सही जगह रख दूं, फिर मेरा ध्यान नहीं, मैं तो होटल में हूँ। एक दो दिन तो आराम कर लेंगे फिर करेगा। हाँ ना ना, ऐसा कुछ नहीं है भाई, बहुत मज़ा आ रहा है। देखो फीलिंग तो काफ़ी वैसी है, अलग सी कि कुछ तो बन गए हैं, पहले से काफ़ी फ़र्क है। मैं तुम्हें ना व्यू दिखाता हूँ, जो मेरे रूम से व्यू है ना, हमें पता नहीं था ये बड़ा पर्दा साड़ा हटता भी है, पर्दा हट गया, अब इसका व्यू चेक करो। अरे खराब मत करा व्यू, बैंगलोर में क्या व्यू है, क्या खाऊंगा, क्या आयु तू खा। हम तो भाई हेल्दी साढ़े, हम पे राशन भी खत्म होगा था, आटा खत्म होगा, इतने भिखमंगी के दिन आ गए थे। राशन में आवे, बेसिक राशन में आया आटा, और चार पैकेट छोटे छोटी पन्नी आई। सही में लड़ाई हो गई ठीक है। हाँ भाई, राशन के ऊपर और क्या दिखाते होंगे भाई, वैसे ही कर रहे हैं ना। स्क्रिप्टेड था, स्क्रिप्टेड था, मतलब हमने कह रहा लगता रहा था। नहीं भाई यार, ऐसा नहीं है, जब स्टार्टिंग में मैं घुसा ना तो मुझे लगा, मैं कहा यार रोटी राटी पे तो क्या ही लड़ना, अंडे वंडो पे साढ़े वहाँ पे सारे ऐसे बिरचे रहे करते, और मेरा ये अंडा छुपा कर रखना, हम तो चुरा चुरा कर खा जाया करते। तो फिर मेरे धीरे धीरे समझ आई कि साढ़ा राशन की मारा मारी तो है यार, जब साढ़े में रोज परांठे खाया करता ना, इतना इतना बटर लेके है, और फिर मेरे परांठे बंद हो गए आने। अच्छा। क्यों? क्योंकि अविनाश ने राशन के टास्क में ऐसी 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 करवाई हमारी, मगल लो अभी मैं आटा भी ना था, आटा लास्ट के दो दिन पहले खत्म हो गया था हमारा। बेसन वेसन ढूंढ आने का थोड़ा बहुत इकट्ठा करके बेसन में बेसन के चीले वीले खाए यार, मैदा के वे खाए, पर अच्छा खाया जो भी खाया, मतलब वो नहीं था कि खराब टेस्ट था। मैं कह रहा हूँ आज का क्या सीन है, हमने कहाँ किस टाइम मिलने जाना है, कितने बजे निकलना भाई, अभी रेडी हो ना लो फिर चलते हैं। होगी सारी अरेंजमेंट्स? यस। फिर हमें भाई आज हमारी थोड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मतलब वही रिलेटेड कि ना ऐसा होगा ना, एकदम से बड़ा आदमी बन गया तो बड़ी बड़ी मीटिंग आने लग गई। आई एम नॉट यूज टू इट गाइस, अभी घमंड यहाँ है मेरे यार, घमंड आ गया मेरे, जिस दिन मुझे लग रहा है उस दिन वेस्ट हो जाएगा सब, है ना। अपने को ऐसे ही रहना है, अगर पब्लिक अपने को ऐसे ही पसंद करती है ना तो अपने को ऐसे ही रहना चाहिए। अगर जिस आदमी के सर पे घमंड आ जाए थोड़ी सी कामयाबी के बाद तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। क्यों पोपी भाई? बिल्कुल सही, पोपी भाई का पूरा जीवन व्यर्थ हो गया। जस्ट किडिंग। तो अभी मेरा गुड़गांव निकलने का सीन था, बट उससे पहले जो फॉर्मेलिटीज़ थी मैंने बताई थी शोज़ की, इस शो में कॉन्ट्रैक्ट में काफ़ी चीज़ें थी, हमें ये करना है वो करना है। तो आज मेरे को लाइव भी आना रात में, मतलब जियो मैंने सिनेमा ऐप पे देखी होगी आपने अभी तक, तो मैंने सोच रखी थी इंस्टाग्राम पे पहले लाइव आके सारे रिकॉर्ड तोड़ दूंगा, कुछ जो बनता हो हवाबाजी हो जाएगी। फिर उन्होंने कहीं नहीं, आप पहले इधर नहीं आ सकते, आपको पहले उत्थे जाना पड़ेगा जियो सिनेमा। कोई ना, पर इंस्टा तो बच गया अपने पे, इसके बाद आ जाएंगे इंस्टा पे, इसके बाद इंस्टा पे आऊंगा ना। तो मैं आने का मेरा पूरा जी था, और अभिषेक भाई से अभी मिलने चलना है हॉस्पिटल। यस अभिषेक भाई, कितनी दूर है वो वाला हॉस्पिटल भाई? वो चलते हैं अभी। मैं सिक्योरिटी इशूज की वजह से यहाँ से निकल ही नहीं पा रहा था, बट अब मैं कहा आज लास्ट डे है यहाँ पे, क्योंकि अपने को निकलना है कहीं और के लिए, सम अदर प्लेस कांट टेल, बट दूसरी जगह निकलना। मैंने कि तो भाई से मिल के जाए, जा रहे अंडमान एंड निकोबार में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। काला पानी, भाई ने सुबह सुबह सुल्फा फूक के काला पानी, काला पानी। चलो तो भाई भी हमारी गैल ले ले भाई, सीएबीए का फोन आ रहा, मोटा पैसा कमाया जा रहा, कटा रहे। वाओ, चलो गाइस यार ठीक। फिर भाई छाती के बाल कितने बड़े छाती के बाल कितने बड़े हो रहे हैं यार भाई वहां पे ना। मैं कह रहा हूँ मेरी बात ना सुन रहे, मेरी छाती के बाल होगी, मैं कह रहा हूँ छाती के बाल कितने बड़े बड़े हो रहे हैं, काट दो यार, रेजर उजर मार दूं। वहां पे तो मुझे ट्रिमर मिला ना, टाइम भी ना मिला मैं तो कि यहाँ के बाल बुल काट लें। मतलब बाल ये वाला टावर ले रहे हैं अभी हम, हैं ज्यादा बड़े, बड़े हो रहे हैं ना, काट दो भाई। गम में जैसे नाई ना रहे उसका अगर नू कर दे, काट दे यहाँ के बाल एक बार। मैंने नहीं करा पर कभी ये वाला काम, पापा करता देखा भाई। ये लुक भी सही लग रहा है, ये वाली शर्ट मैंने ना अंदर पहनी नहीं थी मेरे पे, मुझे ऐसा लग रहा था साड़ी के झूठ बोल रही है, तो नहीं कटा रहे, चली कटा रहे थे अबे चल भाई, मेरे भाई से निकली पैकेट में से, कोरा झूठ स्मार्टीज स्मार्टीज कर चुके मीटिंग करने आगे लिफ्ट। चलो जी आओ सर,
कौन कौन है? पोपी भाई वेट कर रहा। पोपी भाई का क्या हाल? गोपा भाई कैसे लग रहा शर्ट में? एक नंबर। गोवा का लग रहा, गोवा का, गोवा का लोकल। मैं कह रहा हूँ फाइनली भाई, मैं देखो दिखा सकूँ या ना दिखा सकूँ? दो मिनट में आ रहा हूँ। ये दिखा सकूँ मैं रोड? बड़े दिन बाद रोड पे निकला मैं दिन में। वाओ यार, ऐसे होते रोड मस्त है भाई। कितनी सारी गाड़ियां यहां पे बैठे हैं सेटों के डाल इच्छे ने वे बिग बॉस के जमाइयों की तरह बैठे हैं। बिग बॉस के जमाई आ गए अभी इंपॉर्टेंट मीटिंग से ना कटारिया बड़ा आदमी हो गया। अब बड़े औरत भी है गाइस, ये मेरी बड़ी औरत सिस्टम है। लो भाई भाई यार का भी सिस्टम है पूरा। वाओ यार बिल्डिंग तो बड़ी मस्त मस्त है, बाहर की जिंदगी में तो ऐसी लगती है। नहीं बढ़िया, अब तो मैं धीरे धीरे नॉर्मल हो गया मेरा कि अच्छा ऐसा छोड़ के गया था ऐसा ही है। पर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं गाड़ी चला पाऊंगा कटारे ना चला पाऊंगा, भूल तो ना गया आएगा भाई, क्योंकि जब इसमें बैठ रहा है ऐसा लग रहा है भाई तो सही चला रहा। इतनी मतलब उसमें भीड़ बढ़ा के मैं भी सही चला रहा गाड़ी भाई, मेरे से तो ठुक जाती अगर इस टाइम चलाता तो। और अभी बात चल रही थी कि जो पोर्श है उसका क्या भाई, वो रैप के लिए छोड़ के आ रखे हैं, सीधा जाकर डिलीवरी लेनी है कस्टम गैराज पे। सिस्टम कस्टम गैराज पे भाई, यार कौन सा कलर है तुम्हारे लिए सरप्राइज है? लाल तो ना है, लाल ना है, पीला पीला तो थी वो, नीली पीली ऐसी कुछ ना, हरा भरा कुछ ना, अलग है मतलब इनमें से ही कुछ है नहीं, अलग अलग। चलो भाई अपनी मेरी एक जो गाड़ी थी मेरी प्यारी चुटमुट, और वो इंश्योरेंस वो ना ठीक करवाया तुमने फॉर्च्यूनर, वो लक्ष्य जीत कहे थे बताना, उन्होंने पूछिए उनसे कहां पे टाइम में कहा था, वो तो मना कर रहे थे यार तुमने पीछे चेकिंग इंश्योरेंस गाड़ी भी ठीक ना करवाई, सर्विस करवा दी और क्या चाहिए, सर्विस तो बहुत बड़ी चीज है ना। चलो कोई नहीं, पर एक मीटिंग के लिए जा रहे हैं जीतो, कितना इजीली कह रहे हो ना तुम कि ये ना करवाया वो ना करवाया। ये वही चश्मा है जो अंदर मैं बिग बॉस में मेरे तो डिब्बे में मिला ना, जो मैं रख के बाहर दिया, इन बिग बॉस वाले चोर नहीं है। आगे बढ़िया भाई, आप बताओ। बहुत बढ़िया भाई, एलविश भाई बात करना चाह रहे हैं, लो बात करो। माय ब्रदर हाउ आर यू नाउ? बेटर मेरी जान, तू बता। ऑल गुड, मैं कह रहा हूं डिस्चार्ज हो गया? हां यार जस्ट अभी डिस्चार्ज लिया। अब कहां, वापस दिल्ली या फिर होटल? नारियल वारियल पानी पियो दबा के। पार्टी तो दे देंगे, अब क्या तुझे बिना मसाले की चीजें खिलाऊं क्या पार्टी में? अभी ठीक हो जाऊंगा फिर करेंगे भाई। डन भाई, तू रेस्ट कर। बैक टू होटल एंड बैंगलोर। हेलो बैंगलोर आ गए गाइस। कहां जा रहे हो? अरे हम यहीं हैं अभी, देखो देखो दिखाऊं कहां हम, हमें हैदराबाद में। आ जाओ जब आपका जी करे। आसमानों में सातवें आसमानों पे अभी फुकरा भाई से बात हुई मेरी, ही इज डिस्चार्ज्ड और ही इज फाइन, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो भाई जो भी इंस्टाग्राम पे मैं काफ़ी चीज़ें देख रहा हूँ कि हेट फैलाने की कोशिश की जा रही है जो भाइयों के बीच में, कि वो ऐसा ये ऐसा इन ख़राब वो चाहे उसके बारे में चाहे मेरे बारे में, प्लीज़ डोंट स्प्रेड यार, सारी चीज़ें सॉर्टेड है, सारी चीज़ें बहुत बढ़िया। वो मेरा पड़ोसी है यार। अरे भाई तो बात करी तो आठ मिनट दूर पड़ोसे भाई, तो जान लग रहे थे भाई डिस्चार्ज होगा, अच्छी बात है। उनके घर चीनी मांगने जाऊँगा, मगर खटखटा चीनी है, आटा है, दूध, एनीथिंग। अगर कुछ खत्म हो जाएगा, वाईफाई नहीं चलेगा, उनके घर पे जाके अपलोड किया करूंगा ब्लॉग्स। यार ऐसा कुछ मत करो भाई, अरे पब्लिक ने मजा आवे हेट स्प्रेड करने में यार, पता ना क्यों। नहीं नहीं यार देखो, पब्लिक प्यार भी करती है यार, कई लोग हैं जो काफी ज्यादा सोच के ऐसी ऐसी चीजें करते हैं, प्लीज वो चीज मत करो यार, प्लीज। हाथ जोड़ता हूँ मैं तुम लोगों के आगे, ना व्यूज के कर लो, हाँ पॉजिटिविटी फैलाओ यार। उसके लिए उसके बारे में कुछ बुरा है तो वो भी अच्छा नहीं है, मेरे बारे में कुछ बुरा है तो वो भी अच्छा नहीं है, तो प्लीज दोनों साइड स्प्रेड लव, स्प्रेड पॉजिटिविटी अक्षय कुमार वाला, एलविस यादव वाला लुक, सिस्टम लुक भाई। ये भी चश्मे अच्छे लग रहे हैं यार मेरे पे, देखना तू वहां तक के चुरा के लाया है? दिल चुरा के लाया हूँ। अच्छा, घोड़ा हो रहा मेरा, दिखाऊं बिग बॉस का घोड़ा? दिखाऊं बिग बॉस का घोड़ा हो रहा, बिग बॉस की घोड़ी दिखाता हूँ। बिग बॉस की घोड़ी वैसे थी नहीं कोई, बट लो बिग बॉस की घोड़ी देख लो तुम। वू, दिस डिस्क्राइब्स माय जर्नी, कि ये काला घोड़ा घर में घुसा जिसको कोई काबू नहीं कर पाया। बेलगाम घोड़ा, और लगाम लग गया तो तेरे, अब तो कंट्रोल में आ गया भाई। लगाम हम पे भाई, कौन लगाएगा लगाम, साड़ा सिस्टम। लग गई लगाम, घर वाले लगा देंगे हर चीज पे लगाम भाई, कमरे में बंद है हम तो, हम पे तो इल्जाम लग रहे हैं कि एल्विस तो अभी से एक तो मिल के ना आया, मगर ले भाई ये गलत बात है।
वैसे सिक्योरिटी वाला चीज और अभी बात तो करी हमने भाई, भाई बहुत सारी चीजें जो मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। भाई मेरी बात हुई थी यहाँ पे किसी मिनिस्टर के उससे, तो कह रहे भाई प्रोटोकॉल यहाँ ऐसा होता है कि आपको परमिशन रिटर्न देनी पड़ती कहीं बाहर वीआईपी अगर सिक्योरिटी चाहिए तो आपको कुछ भी। वही तो मैं कह रहा हूँ, बहुत सारी चीजें हमारे साथ हुई है जो हम नहीं बता सकते, नहीं बता सकते, ठीक है ना, समझो उस बात को। तो मजबूरी ना, तो ऐसा इतना बुरा आदमी तो शायद मैं नहीं हूँ कि है? जो जितना मुझे लोग समझ रहे हैं कि एल्विस तो बहुत खराब है, हो गया भाईचारा खत्म। नहीं बाबा, समझो भाईचारा भी जरूरी है, जान भी जरूरी है, जरूरी है ना, सब कुछ जरूरी, सब चीज जरूरी है भाई। एयरपोर्ट पे तो अलग फीलिंग आ रही है, चेक इन कर लिया, अब जा रहे हैं दूसरी सिटी, नाम नहीं लूंगा मैं उस सिटी का, वहाँ पे हम जिन जिन लोगों से मिलेंगे हम, चौक जाओगे तुम लोग। भाई आज मैं वैसे अभी आ चुका दूसरी जगह, कांट से द प्लेस नेम ड्यू टू सम इश्यूज, नींद आ रही है मन तो यार, बट मैं बॉम्बे से निकल गया और जो भाई एयरपोर्ट पे विनर है वह उसे पैप्स क्या पैप्स उसने कहा मैं पैप्स तो चिपटा का क्या मैं कह रहा हूँ वे जो बना वे, अरे कहाँ चल दिए सारे भाई, अपने भाई बंधु उनने भी खूब सपोर्ट करा, और पीछे कितना तगड़ा बैकग्राउंड आ रहा है यार, इंची टीवी है तेरे डकार डकोर की गैस बन रही दे रहे, अरे आ गया जा, भूख लग रही है, अरे आ गया जा भाई, तुम अगर लग रहे हो वे मिल गए मुझे बंदे जो मेरी बातों का जवाब देते, बिग बॉस में नहीं मिले। मैं कह रहा हूँ भाई कल दोपहर से एक नेगेटिव पीआर टाइप चीज़ें हमारे खिलाफ चल पड़ी, मेरे पास कुछ वीडियोस भी आई हैं काफ़ी की, इतने पैसे उतने पैसे, ये बना दो मीम डाल दो, मतलब स्क्रीनशॉट्स वगैरह काफ़ी चीज़ें आई हैं, और एक तो अपने ही भाई की आ रखी है, मैं कह रहा हूँ उसका साड़ा हम पे जवाब ही ना है, ये एक अपना भाई उसकी एक ऑडियो आ रखी है कि ये कर दो एल्विस के खिलाफ, वो कर दो, वो चीज़ भी है, तो तब से एक नेगेटिव पीआर चालू कर दी मेरे को लेके कि ये मिलने भी नहीं गया हॉस्पिटल में अभिषेक से, ये है वो है, भाई उससे बात हुई मेरी, बहुत सारे रीजंस थे जो मैंने आपको बताया कि किस रीज़न से हम लोग नहीं जा पाए, और जब जाने का मौका आया तब मैंने उसको फ़ोन करा कि मैं आ रहा हूँ ऐसे ऐसे, उसने बोला कि मैं डिस्चार्ज हो गया तो दिल्ली जा रहा हूँ मैं, मैंने भी पूछा होटल आ रहा है, होटल में मिल लेंगे यार। अब गाइस एक बात बताओ, हमारे किसी तरह फ़ोन पर बात है वो चीज़ भी स्वीट स्वीट डाल लेंगे यार, कुछ चीज़ तो वो होती है ना जो आप लोगों को भी नहीं पता होती, तो समझा करो थोड़ा सा। हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को नहीं पता होती, फिर देखिए कौन है, फिर मैंने देखे कमेंट आने शुरू हो गए, मैंने कि यार ये एकदम से क्या हुआ, ट्विटर पे ट्रेंडिंग चालू हो गई चीज़ें कि एल्विस खराब आदमी है, ये है वो है, एल्विस ने तो अपना असली रंग दिखा दिया, भाई कौन सा रंग दिखा दिया, मेरा तो टैनिंग हट गई, यो वाला रंग दिख गया क्या तुम्हें मेरा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, तो इस चीज़ को प्लीज़ नेगेटिवली नो हेट गाइस, नो हेट, वैसे कोई दिक्कत ना है प्लीज़ यार मत करो, तुम्हारा विचार पकड़ करने का वहाँ कह पर मत करो ऐसे गंदे विचार नेगेटिवली भाई, कुछ स्प्रेड मत करो, चाहे मैं हूँ चाहे अभिषेक हो चाहे कोई भी हो, किसी के खिलाफ भी कुछ मत करो भाई, वो अलग चीज़ है, किसी ने पैसा खा के ठानी रखी है कि मुझे तो भाई इसके खिलाफ नेगेटिव चीज़ करनी है, बट वैसे खुद से एक पर्सपेक्टिव फॉर्म मत करो कि भाई इतने सारी चीज़ें चल रही हैं तो ये आदमी ख़राब है, पहले उस चीज़ के बारे में स्टडी करो कि कुछ हुआ भी है ऐसा एक्चुअली में नहीं हुआ। तो अभी मैं देख रहा था कि काफ़ी जैसे हमारे भाई बंधु जो हमारे सपोर्टर हैं वे भी गाली बक रहे हैं उल्टा, मतलब उस जो भी पोस्ट आ रही है उस टाइप की, तो यार इससे माहौल ख़राब होता है, चाहे उस साइड के लोग कह रहे हो इस साइड के कह रहे हो। एक तो मीम भी मैंने वो भी देखे, जिन जिन भाइयों ने हमें सपोर्ट किया था जब हमें नीड थी, तो उनको भी लोग वो कह रहे हैं कि गाली बक रहे हैं कि, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो वो भी मत करो यार, सारे भाई यार हैं यार, पूरी कम्युनिटी एक है, आप समझ रहे हो कि अलग अलग है, कोई अलग नहीं है, पूरी एक कम्युनिटी है, और जो ना समझ रहे क्या वो अलग मान लो फिर भी, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, नो हेट टू अभिषेक, नो हेट टू एनीबडी आउट देयर, नो हेट टू मनीषा, सारे भाई दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, आशिक आई थी मिलने, मनीषा आ नहीं पाई थी, और मैं अब कहीं और आ गया हूँ, तो उनसे भी मिलेंगे जल्दी टच में, और उसको ठीक हो जाने के बाद साथ में बहुत सारी चीज़ें हमने करनी है, मैंने अलग से भी बहुत चीज़ें करनी है, बहुत चीज़ें आएंगी आप लोगों के पास में, तो लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब, व्लॉगिंग देखो, व्लॉगिंग बंद ना हो रही, अब भाइयों को 15 मिलियन की धन्यवाद भाइयों, हाँ भाई इंस्टाग्राम पे 15 मिलियन हो गए, काफ़ी अनरियल, मुझे तो ऐसा लग रहा था साड़ा मेरी प्रोफाइल ना है किसी और की चलान लग रहा हूँ, बट वो मेरी थी, 15.1 मिलियन 15.2 मिलियन हो गए बल्कि, ठीक है भाई 20 की रेस में आ गए हम, 20 मिलियन होने वाले हैं सिस्टम है, मैं 2 मिलियन की, और भाई यूट्यूब भी खूब 13 मिलियन 10 मिलियन पर छोड़ कर आया था मेन चैनल ने, इसने 4.6 पे, इसके 6.3 हो गए, तो इन्हें बढ़ा दो 10 कर दो, साढ़ दो, और उसको 10 मत कर देना, उसको 20 कर दो मेन वाले, उसको वापस 10 कर दो,
ठीक है भाई, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। नई जगह, नया माहौल, बढ़िया लग रहा ना सिस्टम, चलो मस्त।